अब काश नहीं अब ग्रोकार्ट, ये तो आपने सुना ही है, लेकिन आज मैं आपको बताने आई हूँ कि ग्रोकार्ट क्यों। ग्रोकार्ट पे आपको हर जर्नल आइटम्स और ग्रोसरीज मिल जाती है, प्लस यहाँ हर चीज प्रॉपरली मेंटेन किया जाता है। ग्रोकार्ट ने अब तक 300 प्लस घरों तक डिलीवरी की है। अब बाजार लेना हर किसी के लिए इजी हो गया विद ग्रोकार्ट, अब जो कि एंड्रॉइड और iOS दोनों ही प्लेटफॉर्म पर है। और मजे की बात तो ये है, वी आर नाउ डिलीवरिंग इन दिवा एंड पलावा, साथ ही साथ आपको डिलीवरी विद इन 4 आवर्स में मिल जाती है। ग्रोकार्ट ने अब तक 300 से ज्यादा कस्टमर्स का दिल जीता है अपनी सर्विसेज से। फ्रेश बाजार हो या जनरल आइटम, सब कुछ अवेलेबल है ग्रोकार्ट पर। अब ग्रोकार्ट की सेवा दीवा पलावा में भी। जल्दी करें, ग्रोकार्ट ऐप को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें। कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। बाइक पर स्टंट करना दो युवकों को कितना भारी पड़ गया, आखिरकार ये दोनों युवक पुलिस की हवालात पहुंच गए। 5 जनवरी को इंस्टाग्राम पर दो युवकों के बाइक पर स्टंट करने का वीडियो अपलोड हुआ था, जिसकी शिकायत थाने के प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर बीनू वर्गीस ने ट्विटर के माध्यम से पुलिस विभाग को की थी। इसी शिकायत का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने इंस्टाग्राम के इस अकाउंट से इस वीडियोस को देखकर इन दोनों स्टंटबाज युवकों का पता लगाया और आखिरकार इन्हें गिरफ्तार किया। आप इस वीडियो में देखेंगे कि पहला जो युवक है, अरबाज मोहम्मद हारून खान, उम्र 20 वर्ष, ये बाइक पर स्टंट करते करते गिर पड़ता है, ऐसे में उसकी जान भी जा सकती थी। दूसरा युवक जो है अरमान कयूम शेख, उम्र 21 वर्ष, ये दोनों ही घाटकोपर के अलग अलग परिसर के, अरबाज नित्यानंद नगर का रहने वाला है, अरमान वैतागवाड़ी घाटकोपर का रहने वाला है। ये दोनों जानलेवा स्टंट कर रहे थे और ऐसे स्टंट अक्सर आप जब आबादी के बीच वाली सड़कों पर करते हैं या ऐसे कई निर्जन स्थान पर भी करते हैं और आप उसके एक्सपर्ट नहीं हैं तो आप अपनी जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। इस तरह का वीडियो भी बना करके आप दूसरों को जो है इस तरह का काम करने के लिए उकसाते भी हैं। तो आखिरकार भारतीय दंड संहिता की अलग अलग धाराएं, मोटर व्हीकल एक्ट की अलग अलग धाराएं लगा करके पुलिस ने इनके खिलाफ मामला दर्ज किया है। गिरफ्तारी के बाद इन युवकों ने क्या कहा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। नंबर 17 कैलाश कॉम्प्लेक्स के पास हमको स्टंट करते हुए पकड़ा गया, तो वहाँ यहाँ के पुलिस वाले ऑफिसर ने हम पे कार्रवाई की, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आज के बाद हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, हमको माफ कर दो प्लीज़।